ओम शांति। परम आदरणीय श्रद्धे मीठी मीठी प्यारी प्यारी हमारे इस यज्ञ की दादी माँ विश्व में प्रकाश फैलाने वाली प्रकाशमणि दादी जी की मुख्य विशेषताएं, हम सबकी अति स्नेही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व कुशल मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने अपने अलौकिक जीवन की छाप अनेक ब्रह्मा वत्सों पर डाली है। जिन्होंने भी दादी जी की पालना ली है उन सबके सामने दादी जी की वह मुस्कुराती हुई निश्चल मूर्ति सदा ही स्मृति पटल पर घूमती रहती है। दादी जी की अनेका अनेक विशेषताओं में से मुख्य कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम बता रहे हैं। दादी जी 25 अगस्त 2007 को बाप समान वन अव्यक्त वतनवासी बन गई। उनके इस 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर प्रस्तुत हैं दादी जी की कुछ एक विशेषताएं। पहला, सदा पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमारका। दादी जी का लौकिक नाम रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उनको बहुत प्यार से कुमारका कहकर के बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपनी दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। बाप से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। एक बल एक भरोसे में नंबर वन। दादी जी की बुद्धि कहाँ भी अटकी नहीं, ना अटकी ना चटकी। उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया। सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्ग दर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, यह उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती, सदा यही ध्यान रहता कि करण करावन हार पावा है, हम निमित हैं। उनके बोल व चलन में कभी मैपन नहीं आया। दुआओं के भंडार की मालिक थी दादी जी। के पास दुआओं का भंडार था। वो सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही हैं। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था, वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती। उनके दिल में हर एक के प्रति स्व अनुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार किया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई से, सफाई से सबकी दुआएं ले ली। दादी हमेशा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं ही चला रही हैं। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ हो, उनका सिर कभी भारी हो सकता है क्या? वो सदा बेफिक्र बादशाह रहे। मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही गीत रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया।
सदा यज्ञ से नहीं और यज्ञ रक्षक। बाबा की, यज्ञ की और परिवार की कभी कोई निंदा करे ये दादी सुन नहीं सकती थी। दादी से महापाप समझती। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता था कि यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर के संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं कराता, नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादा का उल्लंघन करता तो वो शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपाने नहीं दिया। हाँ, बाबा को किसी से ऐसे छिपने नहीं दिया। बाबा का नाम बाला किया। यज्ञ के लिए बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विक्रमाजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधे। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरअहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वो सदा खेल समझती। कभी किसी विघ्न में घबराई व मूंझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि ये विघ्न आए हैं हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया, वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्त। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहिब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल सरल स्वभाव सब हम सब के दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ। सदा चेहरा फूल की तरह मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन के आवाज़ में नहीं देखा। ये मेरा है, ये अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। मान अपमान निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वह सब दादी ने प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि वो सदा न्यारी और प्यारी रही हैं। देह में रहते हुए निर्लेप रही। मान अपमान निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्म प्यार की शक्ति खींचना, ये बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर वन चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वो दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानी करे सदा मुस्कुराती रहती। कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह दिखाई नहीं देते। गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण। जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे। उसमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसी झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई, गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना है वो पहले दादी को कहते थे। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से ही अधिकार रहा। सदा मैं और मेरेपन से दूर समर्पण लाइफ। दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वो मैं मेरेपन से दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी न देखी और न सुनी। पालना
भी मम्मा बाबा के समान दी। दादी जी सबका ध्यान रखने से, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कही वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर वन थी। बाबा ने पहले दादी जी को जापान हांगकांग की सेवा पर भेजा, स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। दादी अपने स्वमान में सदा रही, लेकिन छोटे हों या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी बड़ी ब्रिज इंदिरा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को आदि आदि दादी जी ने सदा आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल, ये दादी का जैसे निजी संस्कार था। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसलिए निमित्त बनने में जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर वन। बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेवारी दी। बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी दादी की एक जोड़ी बन गई, जो सभी कहते ये शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है। बाबा एक ने कहा, दूसरे ने माना, जो बाबा का इशारा मिला दोनों ने कहा जी बाबा। कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, एक दो को सदा आगे रखा। कोई भी भाव स्वभाव संस्कार के टक्कर में नहीं आई। संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया, इसी एक धारणा से वह नंबर वन बन गई। पिता वर्ता और पति वर्ता एक वर्ता, पिता वर्ता, पति वर्ता एक वर्ता। किसी भी देहधारी में आंख ना जाए, दादी जी ऐसी पितावर्ता, पतिवर्ता, एक वर्ता बनकर रही। जो बाबा ने कहा वही किया, सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। दिल में सदा बाबा को बसाया, कहाँ आंख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया, किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। यज्ञ की जिम्मेवारी होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति, यज्ञ की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही। हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी, सदा अंतर्मुखी होकर रही। वे एक सेकंड में बाबा से अलग होकर नहीं रही, सदा कहती थी मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है, हम तो उनकी कठपुतलियाँ हैं, वो हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है, मेरे से बाबा को कोई अलग नहीं कर सकता। हर संकल्प श्वास समय को सफल करने वाली और कराने वाली रही। दादी जी को समय का बहुत कदर था। वे सदा कहती संगम की एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। दादी ने खुद भी अपना एक एक श्वास संकल्प समय सफल किया और दूसरों को भी सफल कराया। कुछ भी निष्फल ना जाए, श्वास श्वास स्मृति में रहने से वो मजबूत बन गई। सदा मन मना भव का मंत्र अंदर चलता रहा। नंबर वन में आना हो तो अभी यह समय है, हर एक आ सकता है, ये करके दादी ने दिखाया। अनुभव की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार। दादी जी ने ज्ञान और योग की गहराई को समझकर उसे अपने अनुभव में उतारा। अनुभवों की अथॉरिटी थी। बाबा की शिक्षाओं से दादी जी ने अपना श्रृंगार किया। वे यज्ञ की हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में सदा आगे रहती, पहले करती फिर दूसरों से करवाती। वो अथॉरिटी होते भी नम्रता का अवतार थी। उनके अथॉरिटी के बोल सबको बहुत प्यारे लगते थे। सत्यता की अथॉरिटी होते भी उनके हर बोल में सभ्यता दिखाई देती। निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। दादी जी का स्वयं और बाबा में अति विश्वास था। उन्होंने यज्ञ वत्सों में भी विश्वास रखा और उन्हें सब जवाबदारियां देते आगे बढ़ाती रही। दादी जी को कुछ भूलना नहीं पड़ा। देह सहित सबसे सेकंड में नष्टो मोहा बन गई। कभी निश्चय में संशय नहीं आया। इसी कारण उनका फाउंडेशन मजबूत था। वे कभी किसी भी परिस्थिति में हिली नहीं।
अचल अडोल एकरस स्थिति में रही। उनके अटूट विश्वास ने आज यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया। दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि की वरदानी। दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र रखा। दादी जी कहती थी, हमारी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है, उसने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। बुद्धि का अभिमान कभी आ ही नहीं सकता। इसी विशेषता से दादी जी फॉलो फादर करने में नंबर वन रही। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ था। वे ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाती थी तो बाबा उन्हें कोई ना कोई संदेश जरूर देते, और वे उसी नशे और निश्चय से कहती, आज बाबा ने मुझे ये कहा, इस सेवा के लिए बोला है, अभी ये करना है अथवा यह नहीं करना है। उनकी ही प्रेरणाओं से पूरे भारत की हर स्टेट में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम भी बहुत सफल हुए। बड़ी दिल विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल फ्राक दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो आता उनकी हर प्रकार की खातरी करती और बड़ी दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल रहम दिल स्नेह का सागर बनकर के रही। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञान युक्त था। वे कभी किसी में फंसी नहीं और ना अपने में किसी को फंसाने दिया। सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख संपन्न संपूर्ण बन गई। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। ऐसी थी हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी विश्व में प्रकाश फैलाने वाली प्रकाशमणि दादी जी। ओम शांति।